आज फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने BPCC 133 के हवाले से एक नए इमराज के साथ, एक नए उन्वान के साथ, और वो ऐसा उन्वान जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है। और हम सब हाजिरीन आज हम जिस उन्वान पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं उसका नाम है सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर, यानी कि मादा से मुतालिक आवारिस और तर्ज अमल की लत। सब्सटेंस यानी कि दवा और उसकी बीमारियां और तर्ज अमल की लत, यानी कि हम जो रवैया करते हैं, हमारा जो तर्ज अमल होता है, उसकी जो उसकी कुछ ऐसी लतें होती हैं हमारी, जो कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर, हमारे शख्सियत पर इतना असर डालती हैं, जिस जो कि हमारे लिए ख़तरनाक साबित होती हैं या हमें समाज से अलग कर देती हैं या हमें बीमार साबित करती हैं। तो नाज़रीन, जहन में ये सवाल उठता है कि दवाएं जो हमारे सेहत के लिए ज़रूरत की चीज़ है, हमारी बीमारी को दूर करती है, हमें सेहतमंद बनाती है, वो आवारिस कैसे हो सकती है? और जो हमारा उससे मुतालिक जो हमारा तर्ज अमल होता है वो एक लत या एक एडिक्शन कैसे बन जाता है? तो यहाँ पर नाज़रीन, ये आप लोगों के साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी जो आदत होती है या हमारा जो रवैया होता है, उस रवैये में एक चीज़ हम ज़रूरी तौर पर शामिल करते हैं और वो होता है मज़ा। मज़ा या उसमें उसको करने से अगर हमें जोश आता है, ताकत मिलती है, या हमें दूसरी चीज़ों से निजात मिल जाता है, कुछ हद तक हम अपनी बातों को भूल सकते हैं अगर, तो हम उस तरह के काम को करने में अपने आप को ज़्यादा मशगूल कर लेते हैं। दवाएं जो हमारे सेहत के लिए ज़रूरी होती हैं, जिनको खाने से हमारी बहुत सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं, वो दवाएं कभी कभी हमारे ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा बन जाती हैं जो कि हमारी लत या हमारी आदत में शुमार हो जाती हैं। लत यानी कि जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं या जिसके गैर मौजूदगी में हमारी ज़िंदगी के जो माहौलियात हैं या हमारे ज़िंदगी के जो तर्ज अमल है उसमें तब्दीली होने लगती है। मिसाल के तौर पर नाज़रीन, मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि हम सभी चाय, कॉफ़ी, शरबत या इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आम तौर पर रोज़ाना या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल हैं, हमारे इस हद तक शामिल हैं कि अगर सुबह की चाय नहीं मिलती है तो हमारे सर में दर्द हो सकता है, हमें ताज़गी महसूस नहीं होती है और हम अपने अंदर ताकत या जोश महसूस नहीं करते हैं। तो इस तरह की जो हमारी आदत हो जाती है, या ये हम ये कह लें कि हम जिस कदर इस चीज़ पर डिपेंड करने लगते हैं, तो ये चीज़ ही लत कहलाती है। हम सभी आम तौर पर ये देखते हैं कि चाय पीना किसी मर्ज में शामिल नहीं है, यानी कि जैसे चाय की अगर आदत है या चाय की लत है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि चाय पीने की बीमारी है या चाय पीने या उसको इस तरह की बीमारी है जो कि चाय की वजह से ख़त्म होती है। तो चाय, पान, कसैली और बहुत से लोग सौंफ वगैरह जो का इस्तेमाल करते हैं और वो उसको अपने मुंह में रखते हैं, उसको चबाते हैं और ये ऐसा करने से उनको बहुत खुशी होती है, बहुत सुकून मिलता है और अपने अंदर उनके अंदर कुछ अलग तरह की ताज़गी और ताकत का जो एहसास होता है ये उस चीज़ की मौजूदगी की वजह से होता है और इस चीज़ की मौजूदगी को ही लत कहा जाता है। यानी कि उसके बिना हम अधूरे से होते हैं, कुछ खाली खाली सा लगता है। जब आप लोगों ने महसूस भी किया होगा कि जब रोज़े की हालत में हम होते हैं तो रोज़े की हालत में हम कुछ भी नहीं खाते हैं, यहाँ तक कि पानी भी नहीं, मुंह में पानी का एक कतरा तक भी हम लोगों को नहीं रखना होता है, जैसा हम सब जानते हैं। इसी तरह से दूसरे भी
मजहब में जब लोग रोजा रख या उपवास रखते हैं तो उनको कुछ भी चीज़ खाने की इजाज़त नहीं होती है। तो ऐसे में जब उन्हें चाय नहीं मिलती है या पान नहीं मिलता है या बहुत से लोगों को सिगरेट की आदत होती है, तो सिगरेट नहीं मिलता है तो शाम ढलते ढलते जब वो पूरे दिन दिन भर उसकी गैर मौजूदगी में जीते हैं तो शाम ढलते ढलते उन्हें बहुत बेचैनी, बहुत थकावट, बहुत अपने अंदर आलस, ये सारी चीज़ें जो है वो महसूस होने लगती है। और जैसे ही जब उन्हें खाने की इजाज़त मिलती है तो सबसे पहले बाकी वो सारी नेमतों और गजाओं को छोड़ करके अपने उस चीज़ को खाना पसंद करते हैं जिससे कि उनको बहुत सुकून मिलता है, बहुत ताजगी मिलती है। जैसे कि चाय का इस्तेमाल करना, कॉफ़ी का इस्तेमाल करना, पान का, सिगरेट का, तो वाज़ह तौर पे वो सबसे पहले अपने अपना हाथ जो है उस तरफ बढ़ाते हैं जिस चीज़ से उनको वो सुकून मिल रहा होता है या जिस चीज़ के कमी से उन्हें वो बेचैनी का सामना दिन भर करना पड़ा होता है। तो नाज़रीन, इसे ही कहा जाता है मादे से मुतालिक खराबी। तो मादे के इस्तेमाल की खराबी एक ज़हनी आर्ज़ा है जो किसी शख्स के दिमाग और रवैये को मुतासिर करती है, जिसकी वजह से कोई शख्स कानूनी या गैर कानूनी मंशियात, अल्कोहल या अद्वियात जैसे मादों का इस्तेमाल को कंट्रोल करने में नाकाम हो जाता है। यानी कि वो हर हालत में उसे उस चीज़ की ज़रूरत होती है और वो किसी भी तरह से उन चीज़ों को पाना चाहता है जिससे कि उसे सुकून मिलता है, क्योंकि सीधे सीधे दिमाग से इसका ताल्लुक जुड़ जाता है और दिमाग या जो जहन है वो लगातार परेशान करता रहता है कि उसे किसी भी तरह से इस चीज़ की कमी को पूरा करना होता है और वो हर हालत में इस चीज़ को बार बार अपनाना चाहता है जिससे कि उसकी उसकी जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी का तौर तरीका है वो सही तरीके से चलता रहे। मादे से मुतालिक अवारिस से कुछ मुतालिक अहम इस्तेहलाक, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है। इससे मुतालिक जो सबसे पहला टर्म है वो है नफ्सियाती मादे, जिसको अंग्रेज़ी में साइको एक्टिव ड्रग्स या सब्सटेंस कहते हैं। नफ्सियाती मादे में क्या है कि ये एक दवा या दूसरा मादा जो दिमाग के काम करने के तरीके पर असरअंदाज होता है। दिमाग में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको ये कंट्रोल करता है या वहाँ से वो इसको रेगुलेट करता है और मूड, बेदारी, ख्यालात, एहसासात या रवैये में तब्दीलियों का सबब बनता है। यानी कि ये ऐसी दवाएँ हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं, दवाएँ नहीं हम कह सकते हैं, कुछ दवाओं के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सीधे हमारे दिमाग पर असर डालती हैं जिससे कि हमारे ख्यालात बदलने लगते हैं, हमारा मूड बदलने लगता है, मूड में तब्दीली होने लगती है, हमारे एहसासात बदलने लगते हैं, उसमें भी बदलाव आता है और हमारी जो शख्सियत है उसमें भी थोड़ी देर के लिए बदलाव आने लगता है। नफ्सियाती मादों की मिसालों में अल्कोहल, कैफीन, निकोटीन, चरस और बाज दर्द की दवाएं शामिल हैं। कुछ ऐसी दवाएं भी होती हैं जिन्हें हम अपने दर्द को कम करने के लिए लेते हैं, यानी कि अगर उन दवाओं को हम खा लेते हैं तो उससे हमारे जिस्म में अगर कहीं पर दर्द हो रहा होता है तो उस दर्द में कमी होती है, जिसे हम अंग्रेजी में पेन किलर्स कहते हैं। तो जब तक हमारे जिस्म में दर्द है और हम उन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं जो दर्द को दूर करने के लिए होती है तो उससे हमारा दर्द दूर हो जाता है, लेकिन हमारा जिस्म जब इसका शिकार हो जाता है, यानी कि हमारे जिस्म और दिमाग को जब इसकी लत लग जाती है तो उसके बिना हमें सुकून नहीं होता है। यानी कि हमें दर्द हो ना हो, जब तक हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं हमें सुकून नहीं मिलता है, हमें चैन नहीं मिलता है। उस तरीके से अल्कोहल है, कैफीन है जो चाय और कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और आम तौर पर हमारे ज़िंदगी में ये शामिल होता है। चाय और कॉफ़ी ज़्यादातर लोग बड़े शौक़ से अपनी आम ज़िंदगी में शामिल रखते हैं और उससे उन्हें वो तकवियत मिलती है, वो सुकून हासिल होता है जिससे कि दूसरी चीज़ों से या उसकी गैर मौजूदगी में उन्हें नहीं होता है। यानी कि जब तक वो चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करते हैं उनके सर में दर्द हो सकता है, उनके जिस्म में थकावट हो सकती है, उन्हें किसी काम में मज़ा नहीं आ सकता है या उनके काम करने की जो रफ्तार है उसमें गिरावट हो सकती है वगैरह वगैरह। तो
जो नफ्सियाती मादे हैं उसमें अल्कोहल, निकोटीन और ज्यादातर ये देखा जाता है कि कुछ वैसी चीजें भी जैसे कि चरस, अफीम, जो जिससे जिससे कि इंसान अपने वजूद को भूल जाता है या अपने अपने आप से वो दूर होने लगता है, नशे में की हालत में चला जाता है और अपने आप से, अपने सारी सारी चीजों से उसका जो जहन है वो काफी दूर हो जाता है। नफ्सियाती मादों के बाद जो दूसरा एक खास टर्म है वो है मादे का इस्तेमाल। मादे का इस्तेमाल जैसे अल्कोहल, गैर कानूनी मंशियात या नुस्खे या जायदुल मियाद अद्वियात का गलत इस्तेमाल है। आपको डॉक्टर ने दवा लिखी, नुस्खे पे लिख दिया दवा, किसी खास बीमारी के लिए, किसी खास परेशानी से दूर करने के लिए दवा लिखा, लेकिन उसका जब हम गलत इस्तेमाल करने लगते हैं, यानी कि जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करें, उसे हम छोड़ना ना चाहें या उसके उसकी उसकी जो डोज है, यानी कि उसकी जो जितनी जरूरत है उससे कम या ज्यादा हम अपने हिसाब से उसको अगर करके अपने आप को सुकून पहुंचाते हैं, अपने आप को हम हमें अच्छा लगने लगता है, तो ये चीज होता है कि मादे का इस्तेमाल, कि हम किस तरीके से दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो दवा क्योंकि नाजरीन आप हम ये सब जानते हैं कि जो भी दवाएं होती हैं वो हमारी परेशानी को, हमारी तकलीफों को दूर करने के लिए होती हैं, कि जो जिस परेशानी से हम गुजर रहे होते हैं वो परेशानी कम हो जाए या वो खत्म हो जाए। तो जैसे जैसे जब हमारी परेशानी दूर हो जाती है तो हमें उन दवाओं का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करना होता है या हम उन दवाओं को बंद करना होता है। लेकिन अगर हम इन दवाओं को बंद ना करें और उनका गलत तरीके से इस्तेमाल करते रहें, उनकी जो जो खुराक है उस खुराक को कम या ज्यादा हम करके अपने जिंदगी में उसे बरकरार रखें, शामिल रखें, तो ये दवाओं का गलत या बेजा इस्तेमाल कहलाता है, जिससे कि कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। गलत इस्तेमाल के साथ साथ मादे का नशा, तीसरी बात जो खास तौर पर यहाँ पर काबिले गौर है वो है मादे का नशा। मादे का नशा किसी मादे के हालिया इस्तेमाल से वाबस्ता बदले हुए शऊर और रवैये की एक आरजी हालत है। यानी कि हम जब किसी चीज, किसी दवा का इस्तेमाल करते हैं, किसी मादे का इस्तेमाल करते हैं, तो वो जब नशा हो जाता है हमारे लिए, जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों के साथ कि जैसे विक्स, विक्स से हम सब वाकिफ हैं। जब सर्दी जुकाम की हालत होती है तो हम विक्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसका इस्तेमाल रात में नींद लाने के लिए भी करते हैं। जैसे कि जब तक वो विक्स को उस तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं जैसे कि सर्दी खांसी के वक्त इस्तेमाल किया जाता है, तब तक उन्हें रात में नींद आती ही नहीं है। और जैसे ही वो उसे लगा लेते हैं या उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, उन्हें थोड़ी देर में तुरंत नींद आ जाती है। ये नशा है, मादे का नशा है, यानी कि सर्दी खांसी तो है नहीं, लेकिन नींद लाने के लिए या किसी दूसरे दर्द से अपने आप को निजात दिलाने के लिए जब हमारा जहन परेशान होता है तो वैसे में हम उन चीजों का इस्तेमाल जब कर लेते हैं जिससे हमें सुकून मिलने लगता है, तो वो नशा हो जाता है। यानी कि तब यहाँ पर ये चीज है कि मादे का जो नशा होता है वो किसी हालिया इस्तेमाल से वाबस्ता होता है। जैसे कि हमने इस्तेमाल किया सर्दी के लिए, खांसी के लिए, और हमें बड़ा अच्छा लगा विक्स का, या हम सर दर्द की कोई दवा खा लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगा, तो या चाय कॉफी, अगर आपको कॉफी आप पीते हैं और कॉफी पीने के बाद आपको बहुत सुकून आया, तो जब तक, और वो जब नशा हो जाता है तो जब तक आप कॉफी नहीं पीते हैं आपको नींद नहीं आएगी, जब तक सुबह की चाय आप नहीं लेते हैं आप बिस्तर नहीं छोड़ सकते हैं, तो ये नशा है, मादे का नशा कहलाता है। अब है मादे की ज्यादती, सब्सटेंस अब्यूज, मादे का गलत इस्तेमाल जिसे मुंशियात का इस्तेमाल भी कहा जाता है, दवाओं का इस्तेमाल कहा जाता है। मुंशियात का इस्तेमाल मकदार में या ऐसे तरीकों से होता है जो फर्द या दूसरों के लिए नुकसानदेह हो। अगर हम जरूरत से ज्यादा दवा ले लेते हैं तो वो उसका नतीजा ये होता है कि वो उसका नुकसान हमें उठाना पड़ता है। कोई भी दवा उसकी एक खुराक होती है, उसका एक तरीका होता है कि हम उसकी खुराक ही शामिल करें, लेकिन अगर हम उसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है या
हम उसके शिकार हो सकते हैं, हमें उसकी फिर आदत हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे ब्लड प्रेशर एक बीमारी है, ब्लड प्रेशर में हम दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो दवाओं का इस्तेमाल करने के बावजूद हमारा ब्लड प्रेशर, हम ये देखते हैं कि वो कम नहीं होता है, फिर नतीजे के तौर पर हम क्या करते हैं कि हम उन दवाओं को अपने आप या डॉक्टर की सलाह से और बढ़ा देते हैं। फिर जब जब हम उस तरह के परेशानी से मुबतला होते हैं कि जब हमें लगने लगता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर वो बढ़ गया है, तो हम अपने से उस दवा को बढ़ा लेते हैं, ज्यादातर करके खा लेते हैं, या उस दवाओं, कभी कभी हमें लगता है कि हम दवाओं को छोड़ सकते हैं, तो इस तरह की जो हालत होती है, इसे कम या ज्यादा जो अपने तरीके से हम करने लगते हैं, तो ये मादे की कम या ज्यादा करने की जो बीमारी होती है वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। अब यहाँ पर फिर मादे की लत, ये सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती है। मादे का नशा होगा तो मादे की लत साबित हो जाएगी, नशा होगा तो हम दवाओं का कम या ज्यादा तरीके से इस्तेमाल करने लगते हैं, और जब लत हो जाती है तब तो वो हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो जाता है, हमारे रहने सहने का, खाने पीने का जो तरीका होता है उसमें वो शामिल हो जाता है, और फिर उसके बिना हम हमारी जिंदगी का तसव्वुर जो है वो नामुमकिन होने लगता है। तो मादे की लत एक आसाबी नफ्सियाती आर्जा है जो नुकसानदेह नतायज के बावजूद मंशियात का इस्तेमाल जारी रखने की बार बार ख्वाहिश से जाहिर होता है। हमें ये पता होता है कि अगर हम इन दवाओं का ज्यादातर इस्तेमाल करेंगे या इन चीजों का, किसी खास चीज का इस्तेमाल अगर हम ज्यादा करेंगे, तो इसके नतायज जो है वो हमारे नुकसानदेह हो सकते हैं। बावजूद इसके हम क्या करते हैं, बावजूद इसके हम उनका इस्तेमाल जारी रखते हैं। जैसे कि चाय, कॉफी, सिगरेट, पान या कुछ हद तक शराब, बहुत सी जगह पे शराब भी अपनी की जो लत होती है वो इस कदर होती है कि लोग उससे वाकिफ होते हैं कि ये चीज, इन चीजों से हमारा नुकसान हो रहा है, हम इसे छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो इसका इस्तेमाल करना नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें इस चीज की लत लग गई है। ये चीजें उनकी जिंदगी में इस तरह से शामिल हो जाती हैं, न सिर्फ जिंदगी में शामिल होती हैं बल्कि उनके जिस्म और जहन पर इस तरह से तारी हो जाती हैं कि वो चाह करके भी इन चीजों का इस्तेमाल बंद नहीं कर सकते हैं, और वो जानते हैं कि इसके नतायज भी बुरे हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें जब लगता है कि जब उनका जब नशा उतरता है या उन्हें लगता है कि इसकी जब ज्यादती से उन्हें अलग अलग तरह के नुकसान उठाने हो सकते हैं, तो उन्हें इस बात का एहसास भी होता है कि ये चीजें उनके लिए खतरनाक है, नुकसानदेह है, लेकिन वो उन चीजों की जकड़ में होते हैं, उनकी जाल में इस कदर फंसे होते हैं कि वो उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। नाजरीन, आप यहाँ स्लाइड में देख सकते हैं कि एक इंसान जो है वो किस तरीके से शराब की बोतल के साथ उसके हाथों में हथकड़ी लगी है, यानी कि बोतल की जो एक चेन है वो उसके हाथ में हथकड़ी की तरह है, वो उससे बंधा हुआ है, वो उसे छोड़ नहीं पा रहा है। और कुछ दवाएं हैं साथ में जिसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से लोग करते, हल्के से सर में अगर दर्द है या जिसमें कोई परेशानी हो रही है तो किसी तरह की जो दवा होती है, एनाल्जेसिक जो दवाएं होती हैं जैसे कि कालकोल वगैरह है, वो बड़ी आसानी से खा लेते हैं, और जैसे ही दवा खा लेते हैं तो उनके जहन पर ये एक असर होने होता है कि हमने दवा खा लिया, यानी कि नफ्सियाती तौर पर उन्हें सुकून हो जाता है कि उन्होंने दवा खा लिया, इसलिए उनकी जो परेशानी है वो दूर हो गई, तो वो उनके उनका जो सरदर्द है वो दूर हो जाता है, और ये चीज उनकी आदत में शामिल हो जाती है। जब जब उन्हें इस तरह की तकलीफ होती है वो उन दवाओं का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसे भी एक लत की तरह से माना जाता है। भूख लगती है तो भूख को दूर करने के लिए लोग चाय पी लेते हैं, थोड़ी सी चाय अगर पी ले तो उनकी भूख जो है काफी हद तक कम हो जाती है। तो ये जो नशा है, ये जो लत होती है, ये वो कुछ खाकर भी अपनी भूख को मिटा सकते हैं, लेकिन उस खाने की जगह पर वो तरजीह देते हैं चाय को, कॉफी को, या किसी ऐसी दूसरी ऐसी चीज को जो कि उनके लिए एक नशा का काम करती है, उनके भूख को दूर करने के लिए
उनके जहन पर कुछ इस तरह की का सुकून तारी हो जाता है कि हाँ अब खाने की जरूरत नहीं है। तो इन चीज़ों को ही या इस तरह की चीज़ों को ही हम मादक की लत कहते हैं कि कुछ ऐसे सब्सटेंस, कुछ ऐसी दवाएं, कुछ ऐसी चीज़ें हमारे जिस्म और जहन पर शामिल हो जाती हैं जिसका कि इस्तेमाल करने से हमें बहुत सुकून मिलने लगता है और उस सुकून को पाने के लिए हम बार बार ये कोशिश करते हैं, सिर्फ एक बार नहीं बार बार ये कोशिश करते हैं कि हम किसी भी तरह से उन चीज़ों का इस्तेमाल कर लें और इस्तेमाल करने के बाद एक अलग तरह की ताजगी, एक तरह अलग अलग तरह का जो सुकून हासिल होता है वो उन्हें मिलता रहता है। उसके बाद उन्हें उस चीज़ को लेने के बाद फिर ये भले एहसास हो जाता है कि ये चीज़ उनके लिए नुकसानदेह हो सकती है, खतरनाक हो सकती हैं, लेकिन जब दूसरी बार उन्हें उनके अंदर से फिर से इस चीज़ की चाहत या ख्वाहिश पैदा होती है तो वो अपने आप को रोक नहीं सकते हैं और वो उन चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब है मादक के इस्तेमाल की खराबी। अब मादक के इस्तेमाल की खराबी क्या है? तो इसकी खराबी या इसके बारे में बताने से पहले ये बताना ज़रूरी है कि ये एक सेहत की हालत है। मादक की खराबी या मादक के जो इस्तेमाल की खराबी है वो एक सेहत की हालत है जिसमें मुंशियात का मुसलसल इस्तेमाल शामिल है। मुसलसल का मतलब लगातार लगातार किसी दवा का, किसी चीज़ का हम इस्तेमाल करते रहते हैं, बशमूल अल्कोहल जो सेहत के मसाइल का बायस बनती है और हर तरह के ताल्लुकात, घर के ताल्लुकात हो, किसी काम की जगह पे हमारे जो ताल्लुकात होते हैं, स्कूल दफ्तर जहाँ पर भी हमारा एक दूसरे के साथ ताल्लुक होता है उस ताल्लुकात को मुतासिर करती है। जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी तरह की दवाओं का, किसी भी तरह के चीज़ों का मुसलसल इस्तेमाल करते हैं तो उससे न सिर्फ हमारा जिस्म जहन मुतासिर होता है बल्कि हमारे जो ताल्लुकात होते हैं दूसरे लोगों के साथ, अपने घरों में, अपने काम की जगह पर, स्कूल में, दफ्तर में, उन सब के साथ जो हमारा ताल्लुकात होता है वो भी मुतासिर होता है। क्योंकि जब हम अपनी हालत में नहीं होते हैं तो हमारा जो तर्ज़ अमल है, हमारा जो रवैया है उसमें बदलाव होता है और इस बदलाव का असर हमारे बाकी के रिश्तों पर पड़ता है, बाकी के ताल्लुकात पर पड़ता है और वो सभी हमारे इस रवैये की वजह से या हमारे इस मसाइल की वजह से मुतासिर हो जाते हैं। सब्सटेंस अब्यूज़ या मादा का जो इस्तेमाल है इसके बारे में DSM-5 में ये बताया गया कि पहले क्या था कि दो तरह की इसका नाम रखा गया था कि सब्सटेंस डिसऑर्डर, लेकिन अब यहाँ पर रखा गया जो नाम जो DSM-5 जो कि स्टैटिस्टिकल मैनुअल है जिसमें कि अलग अलग तर्ज मैार शामिल किया गया है उसमें ये बताया गया कि सब्सटेंस एंड एडिक्शन डिसऑर्डर। यहाँ पर एडिक्शन इसलिए इस्तेमाल किया गया कि लत के का जो लफ्ज़ है उस लफ्ज़ पर जोर दिया गया और उसकी अहमियत को बताने के लिए यहाँ पर इस लफ्ज़ को जोड़ा गया कि किस कदर अगर हम किसी चीज़ के शिकार हो जाते हैं, कोई चीज़ अगर हमारी लत बन जाती है तो वो हमारे लिए कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है। इसलिए DSM-5 में इस यहाँ पर दो तरीके के आइटम को मिला करके एक आइटम बनाया गया जिसका नाम दिया गया सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर। इसमें सब्सटेंस अब्यूज़ और डिपेंडेंस यानी कि लत और जो उसकी जो बुराइयां हैं, जो खराबी है, उन दो तरह की चीज़ों को मिला करके एक चीज़ बनाया गया और उसका नाम दिया गया मादक के इस्तेमाल की खराबी यानी कि सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर। DSM-5 में इसके बहुत सारे मयारात तय किए गए, कुल मिलाकर के 11 मयारात इसमें हैं, यानी कि कुछ ऐसे अलामतें इसमें शामिल की गई हैं जो कि ये तय करती हैं कि अगर ऐसी अलामत है तो वो मरीज़ मादक के इस्तेमाल की खराबी का शिकार है। जैसे कि ज़्यादा मकदार में दवाओं का इस्तेमाल करना, अपनी दवाओं को कम करने की कोशिश ना करना, जैसे कि हमने बताया कि अगर हमारी परेशानी दूर हो जाती है तो हम दवाओं का इस्तेमाल बंद कर देते हैं या उसे धीरे धीरे करके कम करके ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन जो इस
इस तरह की दवाओं के इस्तेमाल के शिकार हैं, यानी कि मरीज हैं जो, तो वो अपने दवाओं को जो वो ले रहे हैं किसी चीज़ के लिए, उसको वो कम करने की या ख़त्म करने की कोशिश नहीं करते। ज़्यादातर वक्त उनका इस चीज़ पर जाता है कि कैसे हम और से और ज़्यादा दवाओं का इस्तेमाल करें, या अगर उन्हें उनकी दवाओं को बंद कर दिया जाता है तो उनको उनकी अंदर एक तड़प देखी जाती है कि वो दवाओं का इस्तेमाल करने के लिए तड़प जाते हैं, यानी कि उन्हें किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई दवा लेनी है, कोई किसी तरह की दवा जब जब तक वो नहीं खाते हैं, या जब तक किसी तरह की कोई चीज़ जो कि उनके जिस वो जहन पर असर डालते हैं, बदलाव करती हैं, अगर वो नहीं लेते हैं तो उनके अंदर वो तड़प होती है, जैसे हमारे अंदर भूख की तड़प होती है, किसी खास चीज़ को खाने की तड़प होती है, जैसे मान लीजिए कि किसी को मिठाई खाने की तड़प होती है, या किसी को कुछ और इस तरह से दूसरी चीज को हासिल करने की जो तड़प होती है, वो तड़प देखी जाती है इस तरह के मरीजों में। या हम ये देखते हैं कि लगातार इस्तेमाल होता है दवाओं का, अगर जो उनकी परेशानी थी, जो उनका अः वो उनकी जो बेचैनी की वजह थी, तो वो उसके बावजूद इस दवाओं का इस्तेमाल वो जो है वो करते रहते हैं, और इन दवाओं के इस्तेमाल की वजह से उनका जो भी सामाजिक या दूसरे लोगों के साथ जो ताल्लुकात था, या जो जो उनकी हरकतें थी कि सामाजिक उसमें तकरीब में शामिल होना, या कुछ सामाजिक काम में अपने आप को मशगूल रखना, ये सारी चीज़ें उनकी जो है उन दवाओं के इस्तेमाल की वजह से खत्म होने लगती हैं। क्योंकि जाहिर है कि अगर उन्हें बहुत नींद आ रही होगी होती है, या उनके अंदर की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या बहुत कम हो जाती है, या वो अपने आप को काबू करने में नाकामयाब हो जाते हैं, तो इस तरह से उनका जो सामाजिक ताल्लुकात होता है, या सामाजिक जो रवैया होता है, वो खत्म होने लगता है या छूटने लगता है। इसके अलावा लगातार दवाओं का इस्तेमाल से उनके जो वो खुद खतरे में आ जाते हैं, यानी कि अगर दवाओं का हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो दवाएं एक हद तक या एक उसकी एक खास खुराक होती है जहां तक हम वो हमारे लिए फायदेमंद होती है, उसके बाद वो दवाएं हमारे लिए नुकसानदेह हो जाती हैं, और वो हमारे जिस्म के दूसरे हिस्सों पर नुकसान पहुंचाती हैं, या हमारे जिस्म पर उसका बुरा असर होने लगता है, तो वो दवाओं का इस हद तक इस्तेमाल करने लगते हैं कि उनके जिस्म पर बुरा असर भी पड़ने लगता है। इसके अलावा और ये चीज़ें देखी जाती हैं कि जो दवाएं होती हैं, अगर हम उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं, तो जब वाकई में हमें ज़रूरत पड़ती है उस दवा की, तो उसका असर कम होने लगता है, क्योंकि हमारे हमारे जिस्म में उसकी एक रेजिस्टिविटी बन जाती है, वो इतना ज़्यादा हमारे जिस्म पर छा जाता है कि उसका जो असर होना चाहिए वो असर हम पर नहीं होता है। तो इस तरीके से DSM-5 में बहुत सारे मायारात तय किए गए, और ये बताया गया कि अगर इन 11 मायारात में से 2 से 3 मायारात किसी मरीज में देखे जाते हैं, तो उसे माना जाता है कि हल्के तौर पर वो इस बीमारी का शिकार है। अगर 4 से 5 अलामतें इसकी देखी जाती हैं, तो इसका माना जाता है कि वो थोड़ा ज्यादा इस बीमारी का शिकार है, और 6 या इससे ज्यादा अगर अलामतें मरीज दिखलाता है, यानी कि वो इस इतनी सारी जो तयशुदा मेयारात हैं उसमें से अगर 6 या ज्यादा अलामतें दिखला रहा है, तो उसे बहुत ज्यादा खतरनाक हालत वाली अमराज की कैटेगरी में रखा जा सकता है, या ये माना जाता है कि उसकी जो बीमारी है वो बहुत ज्यादा खतरनाक या अंदाज उसका जो उसकी जो रफ्तार है वो बहुत तेज है, बहुत ज्यादा सीरियस है, ऐसा मानते हैं। मादा के इस्तेमाल की अब खराबी के कौन कौन से अलग अलग किस्में हैं, एक्साम इसके कौन कौन से हैं, तो नाजरीन आप यहाँ स्लाइड में देख सकते हैं कि कुछ दवाएं हैं, सिगरेट है, शराब है, अफीम है, चरस है, और कुछ इस तरह से दूसरी और है जिसे हेरोइन वगैरह कहा जाता है, उस तरह की चीज़ें भी हैं जैसे कि लोग सूंघते हैं, सिगरेट को पीते हैं, अल्कोहल है या शराब जो है उसका भी इस्तेमाल करते हैं। और इसकी अलग अलग जो जमरे हैं, मंशात के अलग अलग जमरे हैं, जिसमें कुछ जमरे ऐसे होते हैं जो आपके
जिस्म को झिंझोड़ के रखते हैं, जहन को झिंझोड़ के रखते हैं, कुछ आपको पुरसकून अंदाज में डाल देते हैं, कुछ का नशा ऐसा होता है कि उसे लेने के बाद आप सब सब कुछ भूल सकते हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको वक्ती तौर पर आपसे दूर कर देती हैं। इस तरह की अलामतें वाली बहुत सारी अलग अलग तरह किस्म की दवाएं जो है वो शामिल होती हैं, जिसमें कि DSM-5 में ख़ास तौर पर नारकोटिक्स, कोकेन, हेलुसिनोजीन्स, इनहेलेंट्स, नाक से सांस लेने वाली कुछ दवाएं, एम्फेटामाइंस, कैनाबीज वगैरह को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले इसमें नारकोटिक्स के बारे में हम गुफ्तगू करें कि इस मंशा नारकोटिक्स के बारे में ये कहा जाता है कि एक मादा जो इतदाल से शदीद दर्द के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल इसका यह है कि अगर आपको कहीं बहुत तेज दर्द हो रहा है तो उस दर्द को दूर करने के लिए इस तरह की दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके इस्तेमाल से थोड़ा सा चक्कर आपको हो सकता है या थोड़ा नींद की हालत जो हो सकती है। इसकी वजह से क्या होता है कि मंशियात अफीनों की तरह होती है। कहा जाता है कि ये जो नारकोटिक्स है वो अफीनों की तरह होती है, जैसे मॉर्फिन और कोडेन, लेकिन अफीमों से नहीं बनती है। वो मरकजी असाबी निज़ाम में ओपिएट रेस्पिरेटर से मुंसलिक होते हैं। मुंशियात को ओपिएट्स भी कहा जाता है, नारकोटिक्स को ओपिएट्स भी कहा जाता है, जिसमें कि थोड़ा सा नशा जैसा होता है, नींद आपको आ सकती है और आप जो है गफलत में हो सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल दर्द के को दूर करने के लिए किया जाता है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल नशे की तरह करते हैं तो फिर हम लगातार नींद में अगर बने रहना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल हम करने लगते हैं और ये नशा के जैसा काम करता है। अलग अलग इसकी बहुत सारी अकसाम है, जिसमें कि हीरोइन है, मॉर्फिन है, मेथाडोन, मेप्रिडाइन, ऑक्सीकोडोन, प्रोपॉक्सीफोन, कोडेन, लोप्रामाइड, डाइफेक्सोग्लिन, ओपियम टिंक्चर, ये भी एक बहुत ख़ास तौर पर लिए जाने वाला ये वाली दवा है। और इसका इस्तेमाल अलग अलग तरीक़ों से, जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि कुछ गोलियों की शक्ल में है, कुछ पाउडर की शक्ल में है और कुछ इंजेक्शन या सिरिंज की मदद से भी लिया जा सकता है। दूसरी जो दवा है वो है सेडेटिव्स, जिसको सुकूनवार कहते हैं, सुकूनावर। सुकूनावर दवाएं मरकजी आसाबी निज़ाम के अफसरदा हैं और उनकी ताकत में वसी पैमाने पर फ़र्क होता है। वो आम तौर पर एक गोली या माइल की शक्ल में होते हैं, अगरचा सुकूनावर अद्वियात को उनकी दवाओं की खसूसियात के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सुकूनावर और अद्वियात का गलत इस्तेमाल इन्हिसार और लत का बायस बन सकता है। यानी कि अगर ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं, ये एक ऐसी चीज़ है इसे हम, जैसा कि आपको नाम से सुनने में लग रहा है, सुकूनावर, सुकून की है की हालत होती है, बहुत अच्छा लगता है, आपकी बेचैनी, आपकी जो परेशानी हो रही होती है वो दूर हो सकती है इससे, लेकिन अगर इसका बेचा इस्तेमाल करते हैं या गलत इस्तेमाल करने से ये एक लत बन जाती है और फिर इसके बिना आपको सुकून या चैन जो है वो नहीं मिलता है और हम इसके लिए परेशान हो जाते हैं। बहुत सारी जो मार्केट में एंटी डिप्रेसेंट जो दवाएँ आती हैं वो इसी लिस्ट की होती हैं, इसी कैटेगरी की होती हैं। और बेंजोडाइजापिन्स हर्बल सेडेटिव जो है इसमें काफ़ी मशहूर होती है। इसके अलावा स्टिमुलेंट्स, महरक अद्वियात का एक तबका है जो दिमाग और जिस्म के दरमियान सफ़र करने वाले पैगामात को तेज़ करता है। दिमाग और जिस्म के दरमियान सफ़र करने वाले पैगामात को तेज़ करता है, यानी कि जिस्म और दिमाग से जो मैसेज, जो पैगाम आता है उसको वो तेज़ करता है या बढ़ा देता है। वो किसी शख्स को ज़्यादा बेदार, चौकन्ना, पुरेतमाद या तनाव महसूस कर सकते हैं, यानी कि इससे आपके अंदर एक तरह की अलग ताकत या एनर्जी जो है वो महसूस आप करने लगते हैं और आपकी जो हरकतें हैं वो तेज़ हो जाती हैं, यानी कि आपके जो दिमाग की जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है
और आपका जो जिस्म होता है उसकी जो हरकतें होती हैं वो बढ़ जाती हैं, तेज हो जाती हैं, और इंसान जो है बहुत ज्यादा अपने अंदर ताकत या बहुत खुशी जो है वो महसूस करता है, जिसको हम महरक कहते हैं। इसके अलग अलग 10 तरह के अकसाम बताए गए हैं, बहुत सारे, जैसे कैफीन, जो कि हमने अभी आपसे जिक्र किया कि चाय और कॉफी में इसकी बहुत ज्यादा मकदार जो है पाई जाती है, इसका इस्तेमाल हम चाय कॉफी के तौर पर करते हैं। जैसे ही हम थकने लगते हैं या हमें नींद आने लगती है या हमारा काम से ध्यान हटने लगता है, आमतौर पर लोग हमें चाय और कॉफी के लिए पूछते हैं। तो वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल करने से हमारे अंदर वो ताजगी, वो अलग से जो ताकत है, वो अलग से जो अलग सा जो एहसास है वो पैदा होने लगता है, और हम फिर से नई ताकत से, नई एनर्जी से अपने काम को करने लगते हैं। इसके अलावा कुछ निकोटीन, कोकेन, आइस, यानी बीटल नट भी, कुछ ऐसे कसैली वगैरह, जो इस तरह की जो चीजें हैं वो सब इसमें, इसके तहत आती हैं और इसमें शामिल होती हैं। अब है इस्तराब मुखालिफ अद्वियात, यानी कि एंटी एंजाइटी ड्रग्स। एंटी एंजाइटी जो ड्रग्स हैं वो हल्के तौर पर ऐसे सेडेटिव्स होते हैं, यानी कि जो हमारी जो बेचैनी होती है या हमारी जो परेशानी होती है, हमारे जो जहन में हलचल होती है, उसको कम करने के लिए या दूर करने के लिए एंटी एंजाइटी ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। और ये ड्रग्स जो है इसका, इसको लेने से, ऐसी दवाओं को लेने से हमारे जो जो तनाव है, जो हमारे जहन पे जो दबाव होता है या हमारा, हमारी जो बेचैनी की हालत होती है, गफलत की हालत होती है, उससे हम निजात पा सकते हैं। तो ये ऐसी दवाएं इस्तराब को रोकने और मुतअद्दिद इस्तराबी अवारिस से मुतालिक अस्तराब के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात का एक जमरा है। ये दवाइयाँ तेजी से काम करती हैं और आदत बना सकती हैं, लेकिन अगर इनका हम इस्तेमाल लगातार करते हैं तो ये हमारी लत बन जाती है, हमारी आदत बन जाती है, और फिर इसके बिना हमें चैन नहीं मिलता है, सुकून नहीं मिलती है, और हम बेचैन हो जाते हैं जब तक हम इन दवाओं का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके भी बहुत सारे अकसाम हैं, जिसमें कि क्लोरोडाइजापॉक्साइड, ऑक्साजापेम, लोराजापम, अल्प्राजोलम, जो कि बहुत मशहूर या पॉपुलर है ये जो दवा है, बीटा ब्लॉकर, हाइड्रोक्साजाइन वगैरह वगैरह, कुछ ऐसी दवाएं हैं जो कि एंटी एंजाइटी दवाओं के तौर पर ली जाती हैं। अब नाज़रीन, एक और ख़ास तरह की जो दवाओं की जो कैटेगरी है उसमें हेलोसिनोजेंस है। हेलोसिनोजेंस की जो जो कैटेगरी है वो मुंशियात की एक किस्म, जो हकीकत के बारे में किसी शख्स के अदराक को बदल देती है। यानी कि इस दवाओं का इस्तेमाल करने से जो शख्स है वो हकीकत की दुनिया से ऊपर उठ जाता है और अपनी ख्याली दुनिया में वो घूमने लगता है। हेलोसिनोजेंस एक शख्स को ऐसी चीज़ों को देखने, महसूस करने और सुनने पर मजबूर करते हैं जो हकीकी नहीं है, या उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है इसकी तशरीह को मस्क कर देते हैं। यानी कि अपने हकीकी दुनिया से वो अपने ख्वाबों की दुनिया में चले जाते हैं, या ऐसी चीज़ें उन्हें दिखाई पड़ती हैं, सुनाई पड़ती हैं, या उन्हें महसूस होती हैं जो कि उनके आसपास है नहीं, या जो कि दूर दूर तक उनके सामने हो नहीं सकती हैं, ऐसी चीज़ें भी उन्हें दिखाई पड़ने लगती हैं, सुनाई पड़ने लगती हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जो हेलुसिनोजेंस हैं वो अपने, उनके जो हकीकी दुनिया होती है जहाँ पर जो उनकी जो हकीकत होती है उससे दूर करके उन्हें एक ख्वाबों की दुनिया में ले जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा जो मशहूर या सबसे ज़्यादा जो इसकी जो इस्तेमाल, ज़्यादातर इस्तेमाल करने वाली का जो दवाई है वो लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड है। यानी कि इसका जो इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल ऐसा होता है कि जब अगर किसी मरीज उसका इस्तेमाल कर लिया तो कम से कम एक हफ्ते तक वो अपनी दुनिया में, अपनी हकीकी दुनिया में वापस नहीं आ सकता है। यानी कि उस इस कदर उसके अंदर वो बेहोशी की हालत या गफलत की हालत होती है कि वो अपने हकीकी दुनिया से ताल्लुक उसका बिल्कुल टूट जाता है और वो काफ़ी उससे
दूर निकल जाता है। इसमें भी बहुत सारी दवाएं हैं, इसके बहुत अलग अलग इस तरह के इसके अकसाम हैं, जिसमें कि एक और बहुत मशहूर अकसाम है केटामिन, जिसका इस्तेमाल मरूजी को बेहोश करने के लिए अक्सर डॉक्टर करते हैं कि थोड़ी देर की जब उनको गफलत या कुछ घंटों की जब गफलत की ज़रूरत होती है तो केटामिन नाम का एक इंजेक्शन लगाया जाता है उनको, जिससे कि वो मरीज़ अपनी हकीकी दुनिया से अलग दूसरी दुनिया में चला जाता है और फिर जो डॉक्टर हैं वो अपना ऑपरेशन या उस तरह का काम उस दौरान वो करते हैं। तो ये बहुत मशहूर एक तरह के एग्जाम है जिसका, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल इस तरह के इंजेक्शन का इस्तेमाल हम अपने ज़िंदगी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करने लगते हैं तो नतीजा ये होता है कि हमें उस चीज़ की लत लग जाती है, और जब तक हम उस तरह के इंजेक्शन को नहीं लगाते हैं या उस तरह की दवाओं का इस्तेमाल नहीं करते हैं तब तक हमें बेचैनी महसूस होती है, बदन में जकड़न महसूस होती है, किसी काम में दिल नहीं लगता है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कैफियत होती है। और जब हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो हम अपनी हकीकी दुनिया से दूर किसी अपने ख्वाबों की दुनिया में सफ़र करने लगते हैं और अपने हकीकत की दुनिया से अलग हो जाते हैं। इसे हेलुसिनोजेंस कहा जाता है। अब इस तरह की कुछ और भी दवाएं हैं जिससे कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर वो असर डालती है या हमें उसकी हमारी अगर उसकी लत हो जाती है तो वो हमारे लिए ख़तरनाक साबित होती है या एक मर्ज की शक्ल अख्तियार करती है। इसमें कुछ ऐसे तरह की दवाएं हैं जिसको कि हम या तो अपने नाक से सांस लेकर के उसको अपने जिस्म के अंदर उसका असर कर, जैसे कि अगर आपकी नाक बंद हो जाती है तो हम विक्स इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं और नाक के अंदर उसे जब हम अपने नाक के जरिए खींचते हैं अंदर तो एक हमें धीरे धीरे हमारे हमारी जो नाक है वो खुलने लगती है और हमें ताजगी का एहसास होने लगता है। इसी तरीके से दवाओं का को भी जो उस तरह की जो दवाएं होती हैं उनको वो अपने नाक के जरिए अपने जहन तक पहुंचाते हैं जहां पर हमें उसका एहसास होता है कि अब हमें सुकून मिल रहा है या हमें नींद आ रही है या हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हासिल हो रही है, तो ये चीज़ लत बन जाती है या ये चीज़ हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। इसके अंदर कुछ अलग अलग तरह के ये स्टेरॉइड्स होते हैं जिसको कि हम या तो नाक के ज़रिए लेते हैं या फिर इंजेक्शन के ज़रिए अपने जिस्म में उसको हम डाल लेते हैं और फिर उसका जो असर होता है जब वो हमारे खून में मिल जाता है तो उस खून में मिलने के बाद वो पूरे जिस्म में उसका असर देखने को मिलता है और हमारा जो हमको बहुत राहत मिलती है, सुकून मिलता है, और ये चीज़ हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो जाती है कि उस वक्त तो हमें राहत मिल रहा है, सुकून मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे हमारे जिस्म को वो बेकार करती है, कमज़ोर करती है और हम उसके शिकार हो जाते हैं और नतीजा ये होता है कि हम किसी न किसी आवारस के शिकार हो जाते हैं। अब इसके आदाद और शुमूर के बारे में बताया जाता है कि इसके आदाद और शुमार जो हैं वो बहुत देखने को मिलता है। अमेरिका में 23 मिलियन अमेरिकन जो ऐसे हैं जो कि इस तरह के मर्ज के शिकार होते हैं और जिनको कि दवाओं से सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जिनको दवाओं से फ़ायदा होता है, और हमारे हिंदुस्तान में भी इस तरह के बहुत सारे मर्ज देखने को मिल रहे हैं, मरीज़ जो है वो जो कि इस तरह के आज का के ख़ास तौर पर हमारे जो नौजवान हैं वो किसी न किसी तरह के दवाओं के बेजा इस्तेमाल के शिकार हैं जो जिनको या उनको उस तरह की लत लग गई है जिससे कि उनका पूरा जो जिस्म और जो जहन है वो बेकार हो रहा है और वो अपने आप को किसी काम में नहीं लगा पा रहे हैं। इसी कड़ी में शराब के इस्तेमाल इन्हिसार की खराबी के बारे में भी नाज़रीन हम गुफ्तगु करेंगे कि शराब भी दवाओं जैसे अलग अलग तरह की दवाओं के इस्तेमाल से हमें नुकसान होता है या उसके बेजा इस्तेमाल से हमें नुकसान होता है, शराब भी एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें जिस्मानी तौर पर ज़हनी तौर पर मफलूज करती है। यानी कि हम शराब का इस्तेमाल अगर करते हैं तो थोड़े देर के लिए, थोड़े वक्फे के लिए हमें तो बहुत सुकून और मज़ा मिलता है और हम हो सकता है कि अपने हकीकी दुनिया से अलग हट जाएं या अपने ख्वाबों की दुनिया में सैर करें, लेकिन नतीजा ये होता है कि हम करके भी उससे निजात नहीं पा सकते हैं और वो हमारे जिस्म जहन को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। तो अल्कोहल के इस्तेमाल की खराबी एक ऐसी तशखीस है
जिसमें अल्कोहल से मुतालिक बहुत से मुख्तलिफ मसाइल शामिल हैं। अल्कोहल का इस्तेमाल, अल्कोहल पर इन्हिसार, अल्कोहल की लत और शराब नोशी, ये सब इसकी अलग अलग तरह की या शराब से मुतालिक जो है बीमारियाँ या आवारिस हो सकती हैं। जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं या शराब के इस्तेमाल की जो का जो लोग इस्तेमाल करते हैं, उनकी कुछ अलामतें हैं। सबसे पहले तो सब जो सबसे पहली अलामत यह है कि उनकी शराब के लिए तड़प, यानी कि किसी भी तरह से वो शराब को पीने के लिए बेचैन रहते हैं और अपने हर मुमकिन कोशिश करते हैं जिससे कि वो उस चीज़ को हासिल कर सकें। नाज़रीन, आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत सिनेमा में भी देखा होगा और अपने आसपास की ज़िंदगी में भी देखा होगा कि शराब पीने के लिए लोग अपने घर बार, अपने बच्चों तक को बेच देते हैं और उससे जो पैसे मिलते हैं उससे वो शराब की जो लत है उसको पूरी करते हैं। उनकी अज़्वाजी ज़िंदगी, उनकी समाजी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, फिर भी वो शराब को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि शराब उनसे छूटती नहीं है। तो वो इसलिए नहीं छूटती है क्योंकि उनके अंदर उस चीज़ की इतनी ज़्यादा तड़प होती है कि उस चीज़ से बढ़ करके फिर उन्हें कोई और चीज़ समझ में नहीं आती है या उन्हें नज़र नहीं आती है। हर मुमकिन कोशिश वो करते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया आपको कि वो हर मुमकिन कोशिश करके शराब को हासिल करते हैं। ज़्यादातर अपना जो टाइम है, अपना जो वक्त है, वो इसी बारे में सोचने में वो बिता देते हैं कि कैसे हम दोबारे से शराब पिएंगे, कैसे हम वापस कहाँ जाकर के पिएंगे, घर में कहाँ कौन सी जगह वह बनाएँ, कहाँ पर रखें, किस तरह से, यानी कि उनके उनकी जो सोच है उस पर सिर्फ और सिर्फ शराब ही तारी होती है। इस हद तक वो लत हो जाती है कि उन्हें खाने पीने से और बाकी ज़िंदगी की ज़रूरियात से बढ़ करके सिर्फ एक चीज़ ही समझ में आती हो है और वो है उनकी शराब की चाहत या शराब की ख्वाहिश। तो और ना वक्त वो उन्हें दिखाई पड़ता है, ना हालात समझ में आता है और वो चीज़ उनके जिस्म व जहन पर तारी होता है। सबसे ज़्यादा जो शराब का असर अगर कहीं होता है तो सबसे पहले हमारे जहन या दिमाग पर होता है। दिमाग, नाज़रीन यहाँ पे एक स्लाइड है जो आप देख सकते हैं, इसमें ये दिखाया जा रहा है कि एक 43 साल का इंसान है जो शराब नहीं पीता है और एक 43 साल का दूसरा इंसान है जो शराब पीता है, उसका जो जहन है, उसका जो दिमाग की जो बनावट है वो कैसी हो जाती है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो नॉर्मल या जो ऐसा इंसान जो शराब नहीं पीता है उसकी जो दिमाग की बनावट है वो कितने वो सब सही तरीके से आपस में जुड़ी हुई होती हैं, और जो शराब पी रहे हैं उनके जो दिमाग की बनावट है उसमें कितना बिखराव या उसकी जो बनावट है उसमें टूट फूट वो दिखाई पड़ती है। तो शराब नोशी और अल्कोहल की ज़्यादती दिमाग को दायमी नुकसान पहुँचाता है, दिमाग के कुछ हिस्सों को ख़त्म करती है, डोपामाइन की पैदावार को कम करती है और उसकी सलाहियत और गैर मामूली तरीक़ों से काम करने का बायस बनती है। यानी कि डोपामाइन जो कि हमारे दिमाग से निकलता है, जो बनता है, जो हार्मोन है, उसकी पैदावार को वो ख़त्म कर देती है या कम कर देती है, और जो दिमागी सलाहियत से जो काम करने की जो सलाहियत होती है उसे भी वो नुकसान पहुंचाती है। शराब के जिस्मानी असरात से भी हम सब नावाकिफ नहीं हैं। हमारे दिमाग और जहन के अलावा शराब हमारे दिल पर, हमारे गुर्दों पर, आंत पर, हमारे फेफड़ों पर, हमारे हड्डियों पर, हमारे लिवर पर, यानी कि कुल मिलाकर हम ये कहें, और अगर ये देखें जैसा कि आप स्लाइड में भी देख सकते हैं कि हमारे जिस्म का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं बचता है जो कि इससे उसको नुकसान नहीं पहुंचता है। यानी कि शराब हमारे जहन को तो बर्बाद करती ही है, हमारे दिमाग को तो नुकसान पहुंचाती ही है, साथ ही हमारे जिस्म के जितने भी हिस्से हैं, चाहे वो हिस्सा हमारा अंदरूनी हिस्सा हो
या बाहरी हिस्सा हो, उन सबको वो नुकसान पहुंचाती है। और नतीजा ये होता है कि शराब पीने वाला जो इंसान होता है उसकी दिल, गुर्दे, फेफड़े सब इस कदर बर्बाद हो जाते हैं कि जब उसे होश आता है तो उसके पास तब तक कुछ नहीं बचता है और बहुत देर हो जाती है, यानी कि फिर उसकी मौत के सिवा उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता है। तो अपने ज़िंदगी को अपने हाथों से ख़त्म करने की जो लत है वो शराब की लत होती है। इसके अलावा इसके नफ्सियाती असरात हैं। कुछ नफ्सियाती असरात में हम ये देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा बेचैनी, तनाव, दबाव होता है। हमारी जो सोच होती है उसमें ठहराव नहीं होता है, उसमें कोई लॉजिक नहीं होती है। हम अपने जो हमारा जो रिश्ता होता है, सामाजिक रिश्ता होता है, अपने ख़ानदान वालों के साथ जो रिश्ता होता है वो सब टूटने लगता है, बिखरने लगता है। हमारा जो मिजाज है उसमें बदलाव आने लगता है, यानी कि हमारा जो मूड है, जो मिजाज है उसमें एक तरह से वो हम ये कह सकते हैं कि रह रह करके बदलाव देखने को मिलता है। और हमारा जो दिमागी, जो हमारी जो सेहत होती है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। जब जिस्मानी सेहत बर्बाद हो रही है तो साथ ही साथ दिमागी सेहत भी बर्बाद हो जाती है और इंसान जो है वो किसी काबिल नहीं बचता है। इसके अलावा शराब पीने से कि कुछ ऐसी बातें भी हैं जिसमें शदीद शराब नोशी के साथ मुंसलिक नफ्सियाती कुछ ऐसे अवारिस भी जुड़े होते हैं कि जिससे कि अगर आप बहुत ज़्यादा हम शराब पीते हैं तो कुछ नफ्सियाती अवारिस भी उसमें शामिल हो जाते हैं, जिससे कि हमारा हमारे बदन में जकड़न होती है, हमें कुछ अलग चीज़, जो चीज़ हकीकी नहीं है वो सुनाई पड़ती है, दिखाई पड़ती है, जिसको हम हैलुसिनेशन कहते हैं, उस तरह की चीज़ें हमें नज़र आने लगती हैं। दिल की जो धड़कन है या सांस लेने की जो रफ्तार होती है उसमें कमी पाई जाती है। तो इस तरह की चीज़ें भी जो है वो नफ्सियाती तौर से भी जुड़ जाती हैं जो कि शराब नोशी की वजह से नज़र आती हैं। अब यहाँ पर मुंशियात का इस्तेमाल और इनहसार की ख़राबी में हम ये देखते हैं कि मादे के इस्तेमाल की खराबी एक सेहत की हालत है जिसमें ज़बरदस्ती मादे का इस्तेमाल शामिल है, यानी कि हम मजबूर होते हैं दवाओं का ज़्यादातर इस्तेमाल करने के लिए। ये उस वक्त तैयार होता है जब मादे का इस्तेमाल रोज़ाना काम करने की सलाहियत में मदाखलत करता है। ये नुस्खा या गैर नुस्खे वाली दवाइयों के साथ हो सकता है, जैसे कि अगर कोई दवाई हमने ली या कोई ऐसी चीज़ें हमने ली जिससे कि हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करने में थोड़ी सी सलाहियत हुई या थोड़ा हमें आराम हो गया, तो हम ये महसूस करने लगते हैं कि उस दवा की वजह से ये हमने सारा काम कर लिया, तो हम उन दवाओं का लगातार इस्तेमाल जारी शुरू कर देते हैं। आप लोगों ने भी नाज़िम में सुना होगा कि बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो इस तरह की दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई के लिए, रात भर जगने के लिए बहुत अलग अलग तरह की दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि उनके अंदर ताकत और एनर्जी जो है वो बनी रहती है और वो लगातार जग करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं कि उन्हें लगता है कि इन दवाओं के इस्तेमाल की वजह से उनके अंदर अलग से ताकत जो है वो पैदा हो रही है, तो वो उन दवाओं के इस्तेमाल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। अब इन दवाओं मादक इस्तेमाल की जो ख़राबी है उसकी वजूहात क्या क्या है, तो उसके वजूहात में नाजरीन कुछ हयातियाती वजूहात हैं, कुछ नफ्सियाती हैं, कुछ समाजी और सकाफती हैं और कुछ हमारे एथिक्स से जुड़े हुए वजूहात शामिल हो सकते हैं। हयातियाती वजूहात के तहत जो सबसे पहली बात आती है वो हमारा जेनेटिक्स आता है, यानी कि हमें हमारे जीन में जो बदलाव होते हैं या हमारा जीन जो हमें अपने ख़ानदान वालों से मिलता है वो इसके लिए ज़िम्मेदार होते हैं। और कुछ हमारे जो जिस्म से जो हार्मोन्स वगैरह जो निकलते हैं वो इसके लिए ज़िम्मेदार हो सकते हैं। नफ्सियाती वजूहात में कुछ हमारी शख्सियत, कुछ हमारे रहने सहने का तरीका, कुछ हमारे पहले के जो तजुर्बात हैं वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हो सकती हैं। सखावती और समाजी जो वजूहात हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो ख़ास तौर पर जिस वजह को शामिल किया जाता है वो है मॉडलिंग, यानी कि जो हम देख करके सीखते हैं।
अगर हमने किसी को देखा तो उसके उस रवैये को देख करके हम उसे अपनाना चाहते हैं और हम उस रवैये को अपना लेते हैं। खास तौर पर जैसे सिगरेट वगैरह की जो लत होती है, तो जो लोग दूसरे को देखते हैं कि वो किस तरह से सिगरेट पी करके धुआं उड़ाते हैं, उसके छल्ले बनाते हैं, तो वो चीज़ उन्हें भी करने में बहुत मज़ा आता है और शुरुआत में वो उस मज़ा को हासिल करने के लिए या मज़े के तौर पर उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। दूसरे को देख करके वो सीख लेते हैं और जब वो उसका इस्तेमाल करने लगते हैं तो फिर धीरे धीरे उन्हें उसकी लत लग जाती है। इसी तरीके से चाय और कॉफ़ी भी उसी में शामिल है कि अगर हम दूसरों को देखते हैं कि भाई चाय पीने से पी करके उसने बहुत सारा काम कर लिया या कॉफ़ी पीने के बाद उसकी जो तकलीफ जितनी थी वो दूर हो गई, तो हम भी उसका इस्तेमाल करते हैं और हमें भी जब अपने अंदर बदलाव महसूस होता है तो हम धीरे धीरे उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और वो हमारी एक लत बन जाती है। तो सकाफती और समाजी वजूहात में जो सबसे खास है वो है मॉडलिंग। और दूसरा जो सबसे खास वजह है, जो दूसरी सबसे खास वजह है वो है कंडीशनिंग, कि हम अगर किसी चीज़ के साथ मुंसलिक हो जाते हैं तो और हमें उससे फ़ायदा होने लगता है तो हम लगातार बार बार उस काम को दोहराना पसंद करते हैं। इसके कुछ जो और वजूहात हैं, उस वजूहात में हम एक वजह और यहाँ पर आप लोगों के साथ बताना चाहेंगे कि वो वजह है हमारी मीडिया। टीवी में, सोशल मीडिया पर, अखबारात में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखते हैं और बहुत सारी ऐसी जानकारी हमें मिलती है जो कि हमें किसी न किसी लत का शिकार बना देती है। और इसके अलावा हयातियाती में तो हमने आपको बताया जैसे कि बहुत सारे हमारे हार्मोन और हमारे जो जीन्स वगैरह होते हैं वो हमारे लिए ज़िम्मेदार होते हैं और हम जितने हमारे जितनी दूसरों पर डिपेंडेंसी होती है, फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंसी होती है, वो इसके लिए ज़िम्मेदार होते हैं। और सामाजिक दबाव या बचपन में अगर हमारे साथ कुछ बुरा सलूक हुआ होता है या हमारे साथ जो कोई दबाव या किसी इस तरह का बर्ताव किया जाता है जो कि आगे चल करके हमें उससे निजात पाने के लिए हम उस तरह की लत के शिकार हो जाते हैं जिससे हमें सुकून मिलता है या हम उन चीज़ों को अगर भूल सकते हैं तो हम उन चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा नाजरीन, माहिर नफ्सियात ने बताया है कि हम द रिवॉर्ड सर्किट हमारे जहन में मेसोलिम्बिक पाथवे होता है, यानी कि एक रास्ता है जो कि हमारे जहन का जो रास्ता है जो कि इसमें तरह तरह के की जो बनावट होती है वो काफ़ी हद तक जिम्मेदार होती है जो हमें इस तरह की लत का शिकार बना देती है, क्योंकि उसमें कहीं कोई रुकावट होती है या कुछ उसमें जो उसमें कोई बदलाव या कोई उसमें टूटना फूटना अगर उसमें हो जाता है किसी वजह से या उसकी जो हरकत है, उसकी जो एक्टिविटी होती है अगर वो सही तरीके से नहीं होती है तो हम अलग अलग तरह की लत के शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा अब जब वजूहात की बात हुई, अलामत की बात होती है तो हमारे सामने है कि है उसके इलाज क्या है। इसके इलाज के तौर पर कुछ नफ्सियाती इलाज हैं, कुछ अलग अलग दवाओं से जुड़े हुए इस्तेमाल हैं और इन दवाओं के इस्तेमाल से नफ्सियाती इलाज की वजह से मिल से कुल मिला करके हम उन लतों से काफ़ी हद तक अपने को दूर कर सकते हैं। इन दवाओं की और अलग अलग चीज़ों की लत के अलावा हमारे जो तर्ज अमल में बदलाव आता है, कुछ ऐसी चीज़ों की लत हमें हो जाती है जिससे हमारा जो तर्ज अमल है वो बदलने लगता है, जिसमें DSM-5 में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का जिक्र किया गया है वो है जुए का, यानी कि जुए की लत या जुए की खराबी एक ऐसी खराबी है जो कि हमें पूरे तरीके से हमारे तर्ज अमल को बर्बाद करती है। यानी कि जुआ एक ऐसा खेल है जिसमें हम पैसा बनाते हैं, यानी कि पैसे जब हम अगर हम जीत गए तो हमें कुछ पैसा मिलता है, फिर हम अपने पैसे को लगाते हैं और उसके बाद हम फिर से खेलते हैं, तो यानी कि यहाँ पर इस चीज़ की को अहमियत दिया जाता है कि इस तरह के खेल में हमें पैसे बनाने की जो जो फैसिलिटी है वो मिलती है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोई जुए के अलग अलग अकसाम में शामिल है, जैसे कि लॉटरी होता है, कैसीनो है, घुड़सवारी है वगैरह वगैरह, और बहुत सारे स्टॉक मार्केट है, ये सब चीज़ें जुए में ही शामिल होती है जिसमें हम कुछ पैसा लगाते हैं और उसमें अगर हमें जीत हासिल होती है तो वो सारा पैसा हमारा हो जाता है। और DSM-5 में भी इसके अलग अलग बहुत सारे मेयार तय किए गए हैं कि किन किन वजहों से हम ये कह सकते हैं कि किसी इंसान को इस तरह की बीमारी या जुए की लत है। इसकी वजूहात क्या है? इसकी वजूहात यही है कि कुछ
जेनेटिक वजह है, कुछ हमारे अंदर का जो जोश है, हमारे अंदर के कुछ अलग करने का जो जुनून हमारे जहन पे होता है वो है, कुछ हमारी शख्सियत इसके लिए जिम्मेदार होती है। और इसके इलाज के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि कुछ नफ्सियाती तरीके, साथ में कुछ दवाएं और दूसरे लोगों की मदद से हम इसके इलाज, इसका इलाज जो है वो काफ़ी हद तक कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये थे आज के हमारे कुछ दवाओं से जुड़ी हुई, तर्ज अमल से जुड़ी हुई हमारी अवारिस, जो कि हमारे हमारी शख्सियत पर असर डालती हैं, और जिसके सही जानकारी से हम अपने काफ़ी हद तक इस तरह की परेशानी से दूर हो सकते हैं। इसके साथ ही आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले क्लास में फिर से दूसरे नए उन्वान के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।